हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट एजुकेशन की हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें कि कल एक वीडियो आ चुका है और जिसके तहत हमने बात करी थी कुछ क्वेश्चंस की, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे वीडियोस आपके पास आएंगे, जिसमें कि हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप तक पहुंच पाए एजुकेशन के, ताकि आपको एक आइडिया हो पाए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उस बेस पर आप अपनी प्रिपरेशन भी कर पाएँ और एक कम्प्लीटली एक कहना चाहिए आइडिया आपको मिल जाए कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। तो आज उस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, कल का ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूटी में ही आगे बढ़ा रही हूँ। मैं वीडियोस को का जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के नंबर्स भी कंटिन्यूटी में ही आगे बढ़ा रही हूँ। तो जो भी क्वेश्चन नंबर आप देखें, तो ये मान लीजिए कि इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो उसको आपको पुराने वीडियोस भी ज़रूर देखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नेट पेपर वन जो हमारा सीरीज चल रहा है, जिसमें कि एजुकेशन के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम ले रहे हैं, और उसमें आज हमारी दूसरी क्लास है। और ये क्लास क्योंकि कंटिन्यूटी में चल रही है, इसलिए क्वेश्चंस को भी मैं कंटिन्यू फॉर्म में ही बता रही हूँ। तो कल हमने 15 नंबर तक कर लिया था, आज हम 16वें क्वेश्चन तक से बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A का निम्नलिखित कथन किस संशोधन से संबंधित है। देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और आपको एक काम और भी करना है कि अनुच्छेद नंबर 51 किस से संबंधित है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो अनुच्छेद नंबर 51 जो है वो किससे संबंधित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये मूल कर्तव्यों में से एक है, मूल कर्तव्यों को जिसमें समझाया गया है उस संबंधित है। और आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, यदि माता पिता संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक का प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये देखिए, संविधान का एक संशोधन हुआ था, जिसको 42वां संशोधन कहा जाता है, और 42वें संशोधन के अंतर्गत ये कहा गया है कि हर एक बच्चे को जो 14 साल का है, उसको पूर्णतः फ्री एजुकेशन, मतलब कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, है ना। तो ये 42वें संशोधन से संबंधित है कि यदि माता पिता अपने या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु के किसी भी बालक के प्रतिपालक हैं, तो उसे शिक्षा के कम्प्लीटली अवसर उसे प्रदान किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामाजिक समावेशन का आवश्यक अंग है। सामाजिक समावेशन का आवश्यक अंग है, समावेशन का मतलब समझते हैं ना क्या होता है। तो महिला शिक्षा में गुणात्मक सुधार, प्रत्येक बच्चा समान अवसर एवं अनुभव पाने का हकदार है, योग्यता आधारित छात्रवृत्ति हेतु उदार नीति, और वंचित समूहों हेतु विशिष्ट विद्यालय। क्या है इसका आंसर, क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा, प्रत्येक बच्चा समान अवसर एवं अनुभव पाने का हकदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृति निम्नलिखित तत्वों में से संरक्षित एक जटिल संपूर्णता है। संस्कृति निम्नलिखित तत्वों से संरक्षित एक जटिल संपूर्णता है। फर्स्ट है ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधि, कानून, रीति रिवाज। निम्नलिखित में से समुचित उत्तर समझिए। तो देखिए, संस्कृति में ये सारी ही चीज़ें आती हैं, सारी ही चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, इस वजह से इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, जिसमें सारी ही चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, ए बी सी डी ई एफ। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, समाज के वंचित वर्ग हेतु शिक्षा विकास संबंधी राज्य नीति का संबंध किससे है। ठीक है, समाज के वंचित वर्ग हेतु शिक्षा विकास संबंधी राज्य नीति का संबंध किससे है।
तो इसका आंसर होगा समावेशी शिक्षा। समावेशी का मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें बात की जाती है कि सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी जाति प्रजाति तबके के हों, फिजिकली कैसे भी हों, बहुत ज़्यादा स्वस्थ हों, किसी तरीके की डिसेबिलिटी से ग्रसित हों, लेकिन सभी बच्चों को एक समान एजुकेशन एक जगह पर मिलना चाहिए, ये समावेशी शिक्षा कहती है। तो समाज के वंचित वर्ग हेतु शिक्षा समाज संबंधी राजनीति किससे संबंधित है, तो ये समावेशी शिक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम किशोर बालक बालिकाओं के शैक्षिक विकास से संबंधित है। किशोर बालक बालिकाओं, तो देखिए हमारे यहाँ पर, अब यहाँ पर इसमें मत आ जाइएगा कि किशोरी लिखा हुआ है, इसलिए किशोरी इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। किशोरी शक्ति विकास योजना जी नहीं, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान जो है वो सभी को शिक्षा प्राप्त करवानी है, प्रदान करनी है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों में से वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है। वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, ग्रोथ और डेवलपमेंट किस कौन सा संबंधित है, तो वृद्धि मनोविज्ञान और विकास। वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है, विकास दोनों मनोवैज्ञानिक हैं, वृद्धि और विकास भौतिक है। देखिए वृद्धि भौतिक होती है, वृद्धि फिजिकल होती है, ग्रोथ आपको फिजिकली दिखाई देती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो मनोवैज्ञानिक स्तर पर होता है, इसलिए इसका आंसर ये होगा वृद्धि भौतिक है जबकि मनोविज्ञान जो है वो विकास जो है वो मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चरण में रचनात्मक चिंतन का विकास आरंभ होता है। अब बात यहाँ पर आ रही है रचनात्मक चिंतन की, मतलब जब हम क्रिटिकली थिंकिंग करना शुरू करते हैं या फिर क्रिएटिव थिंकिंग करना शुरू करते हैं तो किस में विकास हो जाता है, तो बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है। मैंने आपको डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस पढ़ाई हैं, है ना, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से दी हैं, तो उन सभी की पढ़ाई है मैंने, है ना। तो उसमें आपको यहाँ पर ये चीज़ तो कॉमन है कि क्रिटिकल थिंकिंग या फिर रचनात्मक विकास, क्रिएटिव थिंकिंग की जो बात है वो बाल्यावस्था में शुरू हो जाती है। शैशवावस्था तो प्रथम अवस्था होती है, और उसके बाद आती है बाल्यावस्था, फिर आती है किशोरावस्था और वयस्क अवस्था। तो देखिए शैशवावस्था में तो बच्चा बहुत छोटा होता है, उस समय तो क्रिटिकल थिंकिंग हो नहीं सकती, किशोरावस्था में तक तो हो ही जाती है, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव बच्चा सोचने लगता है, वयस्क में तो वयस्क ही हो जाता है। इसलिए वैसे भी इसका आंसर अगर आपको याद भी ना हो तो भी आप बाल्यावस्था पहुंच सकते हैं उस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस चरण में नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य हो जाता है। देखिए मैं एक ही पेपर को ले रही हूँ और एक पेपर में हर एक जो आपकी यूनिट्स हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर लास्ट जो हमारी सीरीज थी जो कल हमने पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था, तो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस थे वो साइकोलॉजी से संबंधित थे, और अब इस वाली क्वेश्चन की जो मैं लेकर आई हूँ इसमें सारे क्वेश्चन किससे संबंधित लग रहे हैं, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान से संबंधित, लर्नर एंड लर्निंग थ्योरी, है ना, उससे संबंधित समझ आ रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है विकास के किस चरण में नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा गया है। नायक पूजा मतलब जैसे बताते हैं ना किसी को आइडल मान लेना, ये हमारा आइडल है और इसको बहुत ज़्यादा हम प्रेज करते हैं, इससे बड़ा प्रेम है और इसी को हम चाहते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में सब सर्वे सर्वा हो जाए, मतलब किसी को नायक बना लेना। और आप लोग सभी याद करो कि हर कोई अपने टीन एज में किसी ना किसी एक्टर को या फिर किसी पॉलिटिशियन को, किसी को भी एडमायर करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर नायक पूजा की जो बात है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रारंभिक किशोर अवस्था से, क्लियर। फिर आता है प्याजे के अनुसार विकास के इंद्रिय गतिक चरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक परिणाम क्या है। वस्तु स्थायित्व, पहचान, भाषा, तर्क। देखिए प्याजे की जो स्टेजेस हैं उसमें ये बताया है इंद्रिय गतिक। इंद्रिय गतिक का मतलब क्या हो जाता है, जब इंद्रियां काम करना शुरू हो जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो वस्तु स्थायित्व उसके अंतर्गत नहीं होता है,
मतलब उसको अगर कोई खिलौना दिखाते हैं और उसके बाद उसके सामने से उस खिलौने को अलग कर देते हैं तो उसके दिमाग में उसकी छवि नहीं बनती है, लेकिन जब उसकी इंद्रियों से काम करना वो स्टार्ट कर देता है, मतलब 0 से 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 11 महीने से लेकर 18 महीने तक का बच्चा होगा ना, उसमें वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अगर उसने किसी भी खिलौने से खेला है ना, तो उससे अगर आप उसको हटा दे रहे हो तो वो उसको ढूंढेगा, याद करेगा कि मेरा वो खिलौना कहाँ पर है, मुझे वो चाहिए। तो वस्तु को समझना, उसको पहचानने की बात स्टार्ट हो जाती है। पहचान, भाषा, तर्क, ये सब तो बाद में आता है, लेकिन वस्तु स्थायित्व, अपनी चीज़ को पहचानना शुरू कर देता है वो, ठीक है, छवि उसके दिमाग में स्थापित होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा बुद्धि का संप्रत्यय सहचर्यात्मक चिंतन का प्रयोग करता है? शैक्षिक बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, संख्यात्मक बुद्धि। क्वेश्चन क्या है, ढंग से समझिए। निम्नांकित में से कौन सा बुद्धि का संप्रत्यय सहचर्यात्मक चिंतन का प्रयोग करता है? सहचर्यात्मक, एसोसिएटिव बिहेवियर की बात हो रही है यहाँ पर। तो जब शैक्षिक बुद्धि की बात करी जाती है तब एसोसिएट करते हैं हम, जैसे कल आपने साइंस में कुछ पढ़ा, वही साइंस की चीज़ कभी सोशल साइंस में या फिर किसी और विषय में आ रही है तो आप उससे एसोसिएट कर देते हो, है ना। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही, शैक्षिक बुद्धि की। अब देखिए क्रॉस कैसे कर सकते हैं, भावनात्मक बुद्धि तो हो नहीं सकता, आध्यात्मिक बुद्धि की कोई बात नहीं हो रही है और संख्यात्मक बुद्धि की बात नहीं हो रही है। एसोसिएट हम किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा शैक्षिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेने के अधिगम में नियम अधिगम के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया है? देखिए गेने की बात पढ़ाई थी मैंने, गेने आपने अच्छे से पढ़ा था, तो गेने के अधिगम में, गेने की जो लर्निंग थ्योरीज हैं उसके अंतर्गत किसे नहीं शामिल किया गया है? संप्रत्यय अधिगम, विभेदीकरण अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम या फिर समस्या समाधान अधिगम? तो इसका उत्तर होगा समस्या समाधान अधिगम, ठीक है, क्योंकि गेने का क्या था, संज्ञानात्मक विकास की बात उसने करी थी, तो संज्ञानात्मक विकास में संप्रत्यय तो बता रहा था वो, विभेदीकरण भी बता रहा था, उद्दीपक अनुक्रिया तो अलग ही चीज़ है, लेकिन यहाँ समस्या समाधान अधिगम को उसने शामिल नहीं किया था, ठीक है। किसी विद्यार्थी के शैक्षिक निष्पादन प्रकार हैं, शैक्षिक निष्पादन प्रकार हैं, योग्यता एवं अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा एवं सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि एवं माता पिता, विद्यालय की शैक्षिक ख्याति। तो इसका उत्तर होगा योग्यता एवं अभिप्रेरणा। कक्षागत शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी प्रबलन अनुसूची आम तौर से नहीं पाई जाएगी? कौन सी प्रबलन सूची नहीं पाई जाएगी? अब प्रबलन का मतलब क्या होता है, प्रबलन सूची, प्रबलन का अर्थ क्या होता है? कक्षा शिक्षण के अंतर्गत प्रक्रिया में निम्नांकित में कौन सी प्रबलन, प्रबलन का अर्थ होता है री इन्फोर्समेंट या फिर री इन्फोर्समेंट, पुनर्बलन भी इसे कहा जाता है ना, तो प्रबलन की कौन सी सूची आमतौर पर नहीं पाई जाएगी? तो परिवर्ती अनुपात सूची, अविराम सूची, अंतराल सूची और ये है नियत अंतराल सूची। तो इसको तो आपको एक बार याद कर लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, है ना, नियत अंतराल सूची इसका आंसर होगा। निम्नांकित अधिगम मनोवैज्ञानिक की सूची में से किसने भावानिवेश को अधिगम का एक स्वरूप स्वीकार किया है? भावानिवेश मतलब क्या होता है, इमोशन, इमोशंस को देना, टोलमैन, कोटलेविन, कोहलर और प्याजे। तो प्याजे का जो था वो क्या था, संज्ञानात्मक विकास था,
है ना, जीन प्याजे का। इसलिए यहाँ पर भावानिवेश के अधिगम को स्वीकार किया है प्याजे ने। ठीक है, अचेतन अभिप्रेरण का विकास विचार किस मनोवैज्ञानिक का एक महत्वपूर्ण योगदान है? अचेतन, अचेतन का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस अभिप्रेरण है ना, अनकॉन्शियस रूप से आपको अभिप्रेरणा मिल रही है। ये विचार किस मनोवैज्ञानिक का है? तो देखिए, अल्पोट का तो है नहीं, एटलर का है नहीं, कार्ल जुंग की तो पर्सनालिटी थ्योरी थी, वैसे भी समझ आ रहा है फ्राइड का। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि फ्राइड का एक आइसबर्ग बताया गया था, एक इस तरीके का आइसबर्ग था जिसमें ऊपर का जो पार्ट था वो क्या था आपका कॉन्शियस माइंड, बीच का जो था वो क्या था सब कॉन्शियस, और ये वाला जो पार्ट था वो क्या था अनकॉन्शियस माइंड, है ना। तो ये क्या अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस वाली बात की थी, किसने की थी? फ्राइड ने की थी, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? फ्राइड। ठीक है, तो ये था आज के कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे। अभी आपको और भी ऐसे वीडियोस और भी आएंगे जिसमें मैं और भी क्वेश्चंस बताऊंगी इसी के आगे वाले पोर्शन के। तो जो भी एजुकेशन से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं ये वीडियोस, तो ज़रूर आप देखिए, और जो भी आपकी तरह एजुकेशन से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, और ये हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल हैं, इनमें आप चाहें तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो इस दिए हुए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक ग्रुप हमारा बना हुआ है, उस ग्रुप में आपको मैं शामिल कर दूँगी। और ये PDF आपको चाहिए है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, ये कम्प्लीट PDF, ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मैं शेयर करने वाली हूँ PPT जस्ट इसके वीडियो के बाद में, तो अगर आपको अभी देखना है तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, मुश्किल हो रही है, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिंक भेज दूंगी टेलीग्राम चैनल की, तो आप उस पर जाकर ये PDF ले सकते हैं, है ना। टेलीग्राम चैनल में भी हमारा यही लोगो आपको सामने दिखाई देगा जो हमारा सेल्फ लर्निंग का लोगो है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लाइन से आने वाले हैं, और आपकी सभी की प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत हेल्प करना मेरा पर्पस है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो जेन्युइनली तो जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत जल्द फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।